आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत खूबसूरत फनकारा से करवाने जा रहा हूँ, हमारे थिएटर की बहुत खूबसूरत फनकारा। आइए मुलाकात करते हैं महानूर से। मुझे तो 100% श्योर था कि ये मैं कर सकती हूँ। मैंने जब फर्स्ट प्ले किया लोग कहते थे ये घबरा जाएगी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट प्ले किया कहीं से भी नहीं लगा, किसी ने कहा यार ये तेरा फर्स्ट प्ले है, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं अल्फा थिएटर में आई, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई, तो जब मैंने अल्फा थिएटर में मैं आकर बैठी तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा काश, मैंने कहा कभी मैं भी यहाँ प्ले करूँगी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी बिग कास्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मैं कभी काम करूँगी। वैसे मुझे ये करनी चाहिए तो नहीं, अगर आपने सवाल ऐसा मज़े वाला किया है। ये देखें जी, दिल वो कहते हैं ना, दिल आए, दिल तो किसी पे भी आ सकता है, ये सारी दिल की बातें होती हैं, ये दिल के खेल होते हैं। भाई यकीन करें मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो क्या है? इस गल पे मिट्टी पाओ, कोई अगली गल करो, शो बड़े लोगों ने देखने देख रहे लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। मेरी कोई मजबूरी, हाँ मजबूरी भी कह सकते हैं, फिर जब आप मजबूरी में आते हो तो फिर ये सिनेरियो ऐसा है, ये रंगीनियां ऐसी हैं कि आपको इतना मजा आता है ना कि ये आपकी मजबूरी मजबूरी नहीं रहती। आपको अपनी क्वालिटी का मालूम है कि आप में क्या क्वालिटी है? नहीं, मैं अपनी क्वालिटी खुद थोड़ी बता सकती हूँ, आप बता सकते हैं। फट से किसी ने आई लव यू बोल दिया हो तो आप हैरान हो गए यार। एक ने, बड़ों ने। अच्छा, कितने दिल तोड़ चुकी हैं आज तक? नहीं, कितने दिल नहीं तोड़े, मेरे ही दिल जिसने भी तोड़ा है थोड़ा है। अच्छा, मैं जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करने वाले हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से ये कहना चाहूँगी कि सरदार कमाल साहब के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी इतनी दबाएं ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको अच्छी अच्छी इंटरव्यूज़, अच्छी अच्छी वीडियोस जो ये अपलोड करते हैं वो देखने को मिले। कुछ हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पहचान स्टेज से बनी और वो स्टेज को ही बुरा कहते हैं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं अपने थिएटर इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आपने अगर थिएटर पर काम किया, आपकी पहचान यहाँ बनी है, तो थिएटर को कभी बुरा मत कहा करें। Thank you.